फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल डी एस डी डी डायरीज एंड वेलकम बैक टू एन अदर न्यू व्लॉग। तो आज जो मैं अपना व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ, एक तो आई एम गोइंग बैक टू माय होम टाउन, माय सॉरी नेटिव प्लेस, यानी मैं अपने गाँव वापस जा रही हूँ क्वेटा से। और मैंने बहुत कोशिश की क्वेटा में मैं अपने व्लॉग्स को जारी रख सकूं, मैं व्लॉग्स बनाती रहूं और आपके साथ शेयर करती रहूं, लेकिन ड्यू टू सम इंगेजमेंट्स मैं इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर पाई। लेकिन मैंने वीडियो ज़रूर बनाई हैं और मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूंगी उन्हें। तो आज जो मैं व्लॉग मैंने स्टार्ट किया, तो हम क्वेटा से जब निकल रहे थे, मैंने तब से ही अपना व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि बलूचिस्तान इज़ नोन एज द लैंड ऑफ माउंटेन्स, यानी माउंटेन्स की सरजमीन बलूचिस्तान को कहा जाता है, पहाड़ों की सरजमीन को। और यहाँ पर आप देख रहे भी रहे होंगे कि भाई कितने जो है लॉन्ग रेंजेस ऑफ माउंटेन्स यहाँ पर मौजूद हैं। चिल्तन माउंटेन यहाँ पर मौजूद है, और रास्ते में जब हम जा रहे थे तो हमें माउंटेन ब्यूटी ऑफ माउंटेन्स के अलावा और बोलान रिवर भी हमें यहाँ पर मिला। और मैं सब चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस ब्लॉग में, तो ब्लॉग को इन तक ज़रूर देखिएगा। और आगे जाकर कोलपुर के एरिया तक हम रुक गए, वहाँ हम नाश्ता नहीं करके निकले थे, तो हमने सोचा कि कुछ खा पी लें, नाश्ता कर लें। चाय भी हमने नहीं पी थी, अर्ली मॉर्निंग निकले थे, तो इससे पहले कि सर में दर्द स्टार्ट हो जाए, कुछ रिफ़्रेश हो जाएं खा पी कर। तो यहाँ पर हमने नाश्ता किया, नाश्ते में ज़्यादा वैरायटी तो नहीं थी, लेकिन इस होटल में वैरायटी है, यानी बैठने की भी यहाँ पर नीचे बैठने की जिस तरह बलोच स्टाइल है वो भी है, और डाइन भी यहाँ पर मौजूद है, तो आप नीचे बैठ कर खाना खा सकते हो या डाइन कर सकते हो, अप टू यू। तो यहाँ पर हमने सिंपल सा नाश्ता किया, चने नान और चाय का जो नाश्ता था वो हमारा यहाँ पर हमने नाश्ता कर लिया। तो ये है जी नाश्ता जो हमने किया, चने थे, नान थी और चाय जो है जो मतलब क्वेटा से बिलोंग करते हैं या फिर क्वेटा के इसी ही रूट पे आते जाते हैं, तो दे आर वेल नो अबाउट दिस थिंग कि भाई कोलपुर की जो माशाल्लाह होटल है उसकी जो चाय है तो वो काफ़ी फेमस भी है, काफ़ी मज़े की यहाँ की चाय होती है। तो यहाँ पर चाय पी ली हमने ताकि हमारा जो आगे सफ़र है वो थोड़ा सा रिफ्रेशिंग रहे, हम टायर्ड ना हो जाएं और सर में दर्द स्टार्ट ना हो जाए, तो यहाँ पर हमने ये मज़े से चाय पी। होटल की एक और एक बात है, एक और कह सकते हैं कि ब्यूटी है कि यहाँ पर वैरायटी ऑफ बर्ड्स जो है मौजूद है, वैरायटी ऑफ एनिमल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर मैं अभी वॉइस ओवर को थोड़ा सा स्टॉप कर दूँगी और आप यहाँ पर पैरट्स की आवाज़ सुनिएगा, कितनी रिफ्रेशिंग और माइंड प्लीजिंग यहाँ पर आवाज़ है। माउंटेन्स पे यहाँ पर उन्होंने एक पूरा सेटअप बनाया हुआ है जहाँ पर मारकोर जो है वो मौजूद है, जो हमारे पाकिस्तान का नेशनल एनिमल है, यहाँ पर उनका सेटअप बनाया हुआ है। और ये माउंटेन्स के गिर्द जो है एक होटल बना हुआ है, माशाल्लाह। अब हमने नाश्ता कर लिया और वापस हम अपनी डेस्टिनी की तरफ मूव कर रहे हैं, और मैंने यहाँ पर भी अपनी जो है वीडियोज़ बनाती गई ताकि छोटी छोटी क्लिप्स जो है मैं आपको हर जगह की दिखाती जाऊं, काफ़ी जो है मुझे बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, सारी बातें जो देखेगा उसको भी ज़रूर अट्रैक्ट करेगी ये चीज़। यहाँ के जो रास्ते हैं ये बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, काफ़ी ज़्यादा टर्न्स आते हैं, और क्योंकि माउंटेन्स को जो पहाड़ हैं उनको कटिंग करने के बाद ये रास्ते बनाए गए हैं, और अभी जो है ये रास्ते बहुत ज़्यादा मॉडरेट हो गए हैं, तो पहले जो थे ये बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि रिजिड जो थे वो रास्ते थे, यहाँ पर स्मूथ जो है गाड़ी ड्राइव करना इट वाज सिंपली इम्पॉसिबल। और अब जो है इन रास्तों को काफ़ी ज़्यादा मॉडरेट बनाया जा रहा है, स्मूथ बनाया जा रहा है, और क्योंकि माउंटेन्स के पहाड़ों के दरमियान है तो बहुत मुश्किल होता है यहाँ पर ड्राइव करना अनटिल अनलेस यू आर एक्सपर्ट। ये जो है माउंटेन्स आप देख रहे हैं, हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं मच्छ के एरिया में, पहुंच चुके हैं, और मच्छ के एरिया में जितने भी माउंटेन्स वगैरह होते हैं वो वहाँ पर क्या होते हैं, कोल के माउंटेन्स होते हैं, यानी यहाँ से जो है कोयला हमें हासिल होता है,
तो यहाँ पर अक्सर माउंटेन्स का कलर आप देखेंगे तो वो ब्लैक होगा, यानी जो कलर है वो डस्की या फिर ब्राउन कलर नहीं होगा बल्कि ब्लैक कलर है, क्योंकि यहाँ पर यहाँ से जो है वो कोल बहुत ज़्यादा निकलता है, मच का जो कोयला है वो तो पाकिस्तान फेमस कोयला है। तो यहाँ पर जितने भी माउंटेन्स हमें नज़र आएंगे तो वो ज़्यादातर क्या होते हैं, ग्रे कलर के या फिर ब्लैक कलर के होते हैं, क्योंकि यहाँ से निकलता है कोयला। हम पहुँच चुके हैं बोलान, और बोलान का मैंने आपको एक ओवरव्यू यहाँ दिया है, जो बोलान रिवर है यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत ठंडा पानी होता है। और जो नज़ारा है यहाँ से जो मैं देख रही हूँ यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा माइंड प्लीजिंग नज़ारा है यहाँ पर, और बहुत ही मैंने तो गाड़ी से बैठकर जो वीडियो है वो बनाई, क्योंकि मैं यहाँ पर उतर नहीं सकती थी, और यहाँ पर नेटवर्क इशू बहुत ज़्यादा होता है, सिग्नल यहाँ पर ज़ीरो हो जाते हैं, ना किसी से कॉन्टेक्ट हो पाता है। तो यहाँ पर अगर आप दिन को जा रहे हैं तो आप इस पूरे के पूरे एरिया को बहुत इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रात को जा रहे हैं तो आप यहाँ पर उतर नहीं सकते हैं, इस एरिया को इंजॉय नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर किसी से कॉन्टेक्ट नहीं हो पाता और आपके घर वाले जो हैं बहुत ही परेशान हो जाते हैं आपके नंबर ना मिलने पर। तो ये है बोलान का एरिया। यहाँ सारा एरिया जो है ये पानी आपको जगह जगह यहाँ पर बिखरता हुआ मिलेगा, यानी पानी का नज़ारा आपको मिलेगा, और एक तो माउंटेन्स फिर पानी जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। मेरे पास मॉडरेट कैमरा नहीं था इतना कि मैं इसका एक फोकस व्यू आपको देती, क्योंकि आई एम अ न्यू ब्लॉगर, मैं न्यू अपनी जो कर रही हूँ ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ, तो आई डोंट हैव सच मॉडरेट कैमरा एंड सिस्टम एंड ऑल दैट। तो इंशाल्लाह जैसे ही आप लोगों की सपोर्ट होगी, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को और रिव्यूज़ बढ़ेंगे मेरे चैनल के, वॉच टाइम कंप्लीट होगा, तो डेफिनेटली आई विल मॉडरेट माय चैनल एज वेल। मैं अपने चैनल को मॉडरेट करने की कोशिश करूँगी विद द मॉडरेट कैमरा एंड मॉडरेट सिस्टम। तो यहाँ पर सिर्फ मैं फ़िलहाल आपको एक ओवरव्यू दिखा रही हूँ बोलान का। तो ये है बोलान का एरिया, जहाँ पर माउंटेन्स और ऊपर माउंटेन है, पानी है, सब चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा रिफ़्रेश कर देती है माइंड को, अगर हम यहाँ जाकर एंजॉय कर सकते, अगर हमारे पास टाइम होता तो हम ज़रूर यहाँ पर एंजॉय करते। यहाँ पर रास्ते रास्ते में आपको ना गाड़ियाँ लेंगी जहाँ पर कुल्फ़ी मिलती है, जहाँ पर लिखा होता है शिकारपुर की स्पेशल कुल्फ़ी, ये वो। तो हमने भी सोचा कि भाई थोड़ा सा सफ़र से थक गए हैं तो थोड़ा सा रुक कर हम कुल्फ़ी खा लेते हैं, तो हमने वहाँ पर रुक कर कुल्फ़ी ख़रीदी और इन्जॉय की। और यहाँ पर हमने ओवरटेक किया, यानी हमें रास्ते में मिल गई ट्रेन, और ये जो ट्रेन है बलूचिस्तान से पंजाब की तरफ जाती है, और ये जाफ़र एक्सप्रेस है, यस इट्स जाफ़र एक्सप्रेस, और ये जो है ये जाफ़र एंड अकबर आई थिंक ये दो ट्रेन हैं जो बलूचिस्तान टू पंजाब जो हैं वो ट्रैवल करती हैं। तो ये ट्रेन जो है जाएगी यहाँ से डायरेक्ट, पहले तो आई थिंक रुकेगी जो डेरा मुराद जमाली है आई थिंक, वहाँ पर एक दो मिनट का स्टे करेगी, फिर इसके बाद जेकाबाद रुकेगी, और इसके बाद थ्रू आउट चलती जाएगी पंजाब की तरह। हम एंटर हो चुके हैं अपने जाफराबाद में, यानी जो हमारा नेटिव प्लेस है वहाँ पर, और यहाँ पर जो है जाफराबाद कैडेट कॉलेज है, उसका मैं आपको दिखाऊंगी व्यू। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जाफराबाद कैडेट कॉलेज, अब इसको माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मॉडरेट करते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा इसको बनाते जा रहे हैं। अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपने घर की तरफ जो है वो मूव करते हुए जा रहे हैं, काफ़ी कम डिस्टेंस जो है वो घर से बच गया है। यहाँ पर खेते आप देख रहे हैं हर तरफ यहाँ पर, क्योंकि हमारा जो एरिया है वो
गंदम चावल की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खेत वगैरह ये होते हैं, तो ग्रीनरी आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम ऑलमोस्ट पहुँच चुके हैं अपने गांव की तरफ, और जगह जगह पर आप ग्रीनरी भी नज़र आ रही है और पानी भी आपको मिलता रहेगा। बहुत कम डिस्टेंस बच गया है घर की तरफ, तो यहाँ से मैं करूँगी अपने व्लॉग को अब करूँगी फाइनल। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा। मुलाकात होगी आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।